जब घर में कुछ ऐसा बन जाए जो खाने का बिल्कुल भी मन ना करे तो आप इस रेसिपी को बना के फ्रिज में रख सकते हैं, और जब कुछ ऐसा बने तो आप फटाफट से इसे रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और आप इसके साथ 4 से 5 रोटी तो बिना भूख के खा जाएंगी, क्योंकि ये बनती ही इतनी स्वादिष्ट है। इसके लिए आपको ले लेनी है ग्रीन वाली मिर्च, यानी कि जो तीखी होती है। तो इन मिर्च को हमने ले लिया है, अच्छी खासी हमने यहाँ पर लिया है एक प्लेट में। उसके बाद अगर आप ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं तो आप काफ़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं, 100 ग्राम के करीब ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने 50 ग्राम के करीब यहाँ पर मिर्च ले ली है। अब एक पैन में मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू होता है आपको सिंपली मिर्च को इसमें डाल देना है और हम इसे थोड़ा सा उबाल लेंगे। इस स्टेप को फॉलो करने से हमारी जो मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाती है और इसका जो ज़्यादा तीखापन होता है ना वो भी थोड़ा सा पानी में निकल जाता है। अभी हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच तेल। इससे इसके ऊपर बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाएगी और ये जो मिर्च है ना इसका तीखापन भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से यहाँ पर आप इसे मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है, आपके फैमिली मेम्बर्स में भी कोई ऐसा है जो हर चीज़ पर मुंह बनाता है, तो उसको जल्दी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से बेल आइकन भी प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, यहाँ पर बॉयल आ चुका है मिर्च में बहुत अच्छा सा। अभी आपको क्या करना है, इसे 2 मिनट तक और पकाना था यहाँ पर मैंने, और उसके बाद गैस को कर दिया बंद। इसे हम कवर कर देंगे 5 मिनट तक स्टीम में इसी तरह से, जब तक कि हम इसके लिए एक टेस्टी सा मसाला प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमने ले लेना है दही। तो घर का जमा हुआ दही आपने ले लेना है, 1 छोटी कप लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना है। इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर ऐड करना है, उसके बाद ऐड करना है नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच के करीब, और इसके बाद धनिया पाउडर 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें और, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ किचन किंग मसाला। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हो। इसके साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और बस इन मसालों के साथ हम दही को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर दही बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है जो कि बिल्कुल तीखी नहीं होती है। अब यहाँ पर ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। मिर्चें आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई हैं, पूरी तरह से गलाना नहीं है आपको, बस इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट पर। इस तरह से पानी को आपको निचोड़ देना है, पानी ना आना चाहिए। इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। अब एक पैन में हमने 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल ले लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से चटकने लगेगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेसन। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो अगर आप इस रेसिपी में यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है। यहाँ पर पैन कुछ ज़्यादा ही हीट हो गया था तो मुझे लगा बेसन जला नहीं है, लेकिन अच्छे से यहाँ पर बेसन भुन गया है। आप केयरफुल होकर बेसन को ऐड करें और अच्छे से बेसन को यहाँ पर हमने भून लेना है। फ्रेंड्स, फिर बता रही हूँ बेसन यहाँ पर जला नहीं है, बहुत अच्छे से भुन गया है। अभी गैस मैंने इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं, और अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच में दही को ऐड करते हैं ना तो दही फट सा जाता है। गैस बंद कर दिया था मैंने, फिर से ऑन कर लिया है। अब इसमें फिर से थोड़ी सी कलर के लिए मैंने लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है क्योंकि मुझे इसमें कलर काफ़ी लाइट दिख रहा था। ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है। इसमें मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड किया है और काला नमक ऐड किया है जो कि बहुत ही टेस्टी सा इसमें फ्लेवर देता है। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंस्टेंट सी बनने वाली रेसिपी है, बहुत छोटी सी है। मसाले को आपको अच्छे से भून लेना है जब तक तेल ना छोड़ दे। उसके बाद इसमें हम मिर्च को ऐड कर देंगे, देख सकते हैं। और अभी आपको क्या करना है, इस मसाले के साथ मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इस स्टेप में मिर्च को बारीक बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरी पूरी मिर्च ऐड की है। आप चाहें तो इसे काट के भी डाल सकते हैं। अच्छे से एक बार ही आप इसे कर ले मिक्स। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसे कवर कर देंगे मसाले के साथ। 2 से 3 मिनट तक हम इसे और कुक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तेल अच्छे से ऊपर आ चुका है और हमारी ये जो तीखी चटपटी सी मिर्च है ना, ये बन के हो गई है तैयार। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप बना के रख लें। अगर आपको भूख भी नहीं है ना, तब भी आप इसके साथ 3-4 रोटी तो यूं चट कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये रेसिपी ऐसी है कि आप बिना भूख के भी इसे खा सकते हैं, या पराठे के साथ तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत अच्छे से हमने इसे भून लिया, जितना भी एक्सेस पानी था सब हमने इसका ड्रेन कर लिया है। और आराम से आप इसे फ्रिज में रखकर 1-1.5 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और फिर से मैंने इसे थोड़ा सा कवर किया था कि तेल अच्छे से ऊपर आ जाए
और हमारी जो चटपटी सी तीखी सी ये नई तरीके की मिर्च की रेसिपी है यहाँ पर बनके हो गई है तैयार। तो आज की आपको ये रेसिपी फ्रेंड्स कैसी लगी है कमेंट में बताना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं यहाँ पर इसे सर्व कर रही हूँ, आप भी इसे बनाएं, किचन में जाएं और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बिना ट्राई किए तो किसी को नहीं पता चलता है ना कि ये रेसिपी कैसी है। एक बार ही ट्राई करें, फिर आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे और इस टेस्टी रेसिपी के लिए एक लाइक शेयर तो बनता है। इसे मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे से गल चुकी है, बहुत टेस्टी बनती है। बाय बाय।